हेलो फ्रेंड्स, आज 16 जून 2024 है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम था और इसमें जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस थे अभी हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन एक इसका मीनिंग बता दे रहे हैं। संविधान संशोधन जब होता है तो क्या क्या किया जा सकता है? परिवर्धन, एडिशन, यस एडिशन किया जा सकता है, वेरिएशन, चेंजेज परिवर्तन, और निरसन रिपील। तो एक्चुअली जब संविधान संशोधन होता है तो किसी भी आर्टिकल को मॉडिफाई किया जा सकता है, उसमें कुछ एडिशंस किया जा सकता है और उसको रिपील भी किया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो आंसर होगा दैट विल बी 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये मनी बिल के बारे में पूछा है। तो मनी बिल जो है आपको पता होगा, आप लोग पढ़ के गए ही होंगे कि 110 में है। और जो प्रोसेस है कि मनी बिल को कैसे गवर्न होगा, ये 109 में लिखा हुआ है। आप लोगों को प्रोबेबली पता होगा कि ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, जो सेकंड ऑप्शन है। तो पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया। राज्यसभा या तो विधेयक का अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं करते। करेक्ट। ये जो है राज्यसभा उसमें रिजेक्ट नहीं कर सकती है, वो केवल लोकसभा के लिए सजेशंस देती है। फिर अगला है हमारा, राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधनों को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। नो, लोकसभा राज्यसभा का जो रिकमेंडेशन है उसको वो स्वीकार कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो इसलिए 4 गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देख ले। नेक्स्ट हमारा कि ये तो डेटा क्वेश्चन है कि 71 से क्या हुआ था। तो इसमें जो मैथिली है वो गलत है, मतलब 71st संशोधन जो अधिनियम था उसे कौन सा भाषा को 8th शेड्यूल में जोड़ा गया था। तो कोंकणी, मणिपुर, नेपाली सही है, मैथिली गलत है। तो 1, 2, 3 इसका हो जाएगा आंसर। तो इसका भी आंसर हो गया। नेक्स्ट जो है ये पूछ रहा है कि म्युनिसिपैलिटी के बारे में किस पार्ट में दिया गया है। तो 9, इसमें 9 को आप लोग को दिख रहा है, 9 है, दैट इज़ करेक्ट, आप लोग को पता होगा प्रोबेबली। इमरजेंसी प्रोविजंस, यस दे आर इन पार्ट 18, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो पार्ट 20 में दिया गया है। तो इसलिए ये तीनों ही सही है। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, और पार्ट 9 ए में है म्युनिसिपैलिटी, इमरजेंसी पार्ट 18 और पार्ट 20 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जो सारा का सारा पार्ट जो है वो याद करके गया होगा, उसका एडवांटेज। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा कथन सही है। तो इसमें इंटर स्टेट ट्रेड का बात कर रहा है। देखिए, इंटर स्टेट ट्रेड और सेकेंड वाला इंटर स्टेट माइग्रेशन, इधर देख लेते हैं हम लोग। इंटर स्टेट ट्रेड, इंटर स्टेट माइग्रेशन, इंटर स्टेट करेंट टाइम। देखिए, ये इंटर स्टेट ट्रेड, इंटर स्टेट जो कुछ भी होगा वो सेंटर के हाथ में होता है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्टेट सब्जेक्ट है। नो, दिस इज रॉन्ग। इंटर स्टेट माइग्रेशन स्टेट सब्जेक्ट, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक राज्य से दूसरे राज्य की बात कर रहा है। इंटर स्टेट करेंट टाइम यूनियन, हाँ यूनियन, ये सही है, यूनियन लिस्ट। और अगर डी भी देखेंगे आप, तो कॉर्पोरेशन टैक्स, आप लोग को पता होगा कि कॉर्पोरेशन टैक्स होता है यूनियन लेता है। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज सी, इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि राइट टू प्राइवेसी पुट्टस्वामी केस था, आर्टिकल 21 से जोड़ा गया था। तो इसका जो होगा आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का इथिक्स कमेटी, आचार समिति। तो इसको इधर देख लेते हैं। तो इथिक्स कमेटी जो है वो लोकसभा की, वो पहले एडहॉक कमेटी थी। हाँ देखिए,
क्वेश्चन क्यों आया, क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि आपको याद होगा महुआ मोहित्रा के केस में एथिक्स कमेटी बैठी थी, तो एडहॉक कमेटी था आपको, तो इसका मतलब अगर एथिक्स कमेटी बैठी थी तो आपको पढ़ना था, पढ़ के जाना था, तो एडहॉक कमेटी थी, यस ये सही है। और कोई भी कंप्लेन दे सकता है, जो सेकंड ऑप्शन है इधर भी देख लेते हैं, केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही कंप्लेन कर सकता है, नो दिस इज रॉन्ग, कोई भी दे सकता है शिकायत, और यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकते जो न्यायाधीन है, दैट इज करेक्ट। तो इसका मतलब हो गया कि 1 and 3 इज करेक्ट, तो 1 and 3 यस, तो इसमें जो है इसमें हम लोगों का आंसर मिल गया सी। सी नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा नारी शक्ति मंदन अधिनियम। अब इसमें देखिए ये जो है ये ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है कि आपको ऐसे ही पकड़ा जाता, तो देखिए नारी शक्ति मंदन अधिनियम आपको अच्छा से पता है कि 2026 के बाद जो डिलिमिटेशन हो जाएगा उसमें लागू होगा, और अभी इलेक्शन हुआ 18 लोकसभा का, तो अभी तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि होगा, तो वन तो गलत है, तो वन गलत है, तो देखिए इस ऑप्शन में ऐसे दिया है कि 1 3 में दिया हो, ए बी में भी 1 है और डी में भी 1 है, इसका आंसर कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है क्योंकि आपको पता है 18th लोकसभा में ये लागू हुआ, सॉरी 18th लोकसभा का इलेक्शन हुआ अभी, और इसमें ये नहीं लागू हुआ वुमेन रिजर्वेशन, तो ये बहुत क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा ये रेट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या होता है कि जो हायर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट को किसी काम को लेने से रुकता है, किसी केस को लेने से, बहुत सिंपल सही बात है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन में दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करती है, तो क्या ये गवर्नमेंट ऑफिसर को रोकती है, नहीं गवर्नमेंट ऑफिसर को नहीं रोकती, क्या संसद विधानसभा को रोकती है, नहीं नहीं रोकती, निचली अदालत को रोकती है, तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है, तो ये कोर्ट्स को रोकती है, बहुत सिंपल सा बात है, नॉट गवर्नमेंट्स को, तो हो गया यहाँ पे। अगला नेक्स्ट है हमारा जो SC और ST का जो लिस्ट है वो सेंटर बनाता है, इसमें लिखा हुआ है कि राज्य का राज्यपाल बनाता है, पहला वाला ये गलत है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, और दूसरा स्टेटमेंट किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह दूसरे राज्य में भी ऐसा हो, यस करेक्ट, एक राज्य में अगर कोई ST है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ST होगा, तो इसका मतलब है कि केवल 2 हम लोग का सही होता है, ठीक है, तो इसमें हमारा हो गया 1 liter, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लोकसभा अध्यक्ष को अगर हटाया जा रहा हो तो उस सेशन को वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं होता, तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है, वो अपना पक्ष रख सकता है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, देखिए उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, नो ये गलत है। इसमें लिखा हुआ है कि वह फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं दे पाएगा, वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट देगा, जब वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है एज अ मेंबर वो वोट देगा, तो ये पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, तो इसका आंसर हुआ हमारा 1, ठीक है, इसका आंसर हुआ 1। नेक्स्ट है कोई अगर बिल, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो बिल भी लोकसभा का जो होता है वो लैप्स कर जाता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा में पेंडिंग है, लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा में पेंडिंग है, बिल लैप्स कर जाता है, और इसमें लिखा क्या हुआ है, लैप्सेज, सेकेंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड, अगर प्रेसिडेंट बोल चुका है कि डेडलॉक है 2 हाउसेस के बीच में और हम जॉइंट सेशन बुलाएंगे, अगर वो घोषणा कर चुका है तो ऐसे हालत में बिल नहीं लैप्स होता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि लैप्स होता है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो इसका मतलब 1 2 सही हो गया,
नेक्स्ट नेक्स्ट है कि अगर किस हाउस को प्ररोक किया जाता है, तो आपको पता है हाउस को प्ररोक करना, सत्रावसान करना राष्ट्रपति का काम है, लेकिन आपको ये भी पता है कि राष्ट्रपति जो है वो उसका बहुत कम डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी ऐसे केस में उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से का बात मानना पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आवश्यकता नहीं है, गलत है, गलत स्टेटमेंट है, वन इज़ रॉन्ग। तो वन इज़ रॉन्ग टू देख लेते हैं। पहले क्या होता है कि जो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो घोषणा करता है कि हाउस इज एडजर्न्ड सेनेट आई, ठीक है, सेनेट आई। उसके बाद राष्ट्रपति जो होता है उसको प्ररोग करता है, यानी सत्रावसान करता है, पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर अध्यक्ष, उसके बाद राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति उसको एडजर्न करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर एडजर्न सेनेट नहीं किया तो राष्ट्रपति इसको प्ररोग नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेकेंड स्टेटमेंट यही बात बोल रहा है, दैट इज़ करेक्ट। तो वन गलत हुआ और टू सही हुआ, तो इसका मतलब टू एंड थ्री में हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो ये जो है लोकसभा का जो भी डिसोल्यूशन होता है वो मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही होता है, बट कभी कभी जब प्रधानमंत्री का मेजोरिटी ना हो संसद में तो ऐसे हालत में राष्ट्रपति उसका बात नहीं भी मान सकता है, ठीक है। तो हम लोग कुल मिलाकर के करीब करीब गिनती कर ले, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो ये बारह क्वेश्चन थे, बारह तेरह तेरह क्वेश्चन थे पॉलिटी के हम लोग कवर किए। उम्मीद है आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और आपको क्वेश्चन देख करके मेरा जो इम्प्रेशन है कि आप लोगों को कभी भी एग्ज़ाम देने जाते हैं यूपीएससी का तो रिवीजन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। लास्ट का दो महीना में आप लोग नया चीज़ पढ़ने का कोशिश मत कीजिए, उसमें केवल रिवीजन में चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो रिवीजन जो किया होगा उसके लिए आसान हो जाते हैं, और नहीं तो जो रिवीजन नहीं किया होगा उसको हर समय लगेगा कि अरे सारा कुछ पढ़े थे लेकिन सब भूल गए हैं। तो रिवीजन कीजिएगा, और जो इसका डिफ़िकल्टी लेवल का मेरा असेसमेंट आ रहा है इसमें उम्मीद करते हैं कि इस बार कटअप जो है वो 100 पार करेगा, जो पिछला बार 80 के आसपास रह गया था। तो अगर आपका 50 क्वेश्चंस पार कर रहा है ऑन द सेफर साइड 55, यानी 110 मार्क आ रहे हैं, तो आप मेंस का तैयारी करना शुरू कर सकते हैं।